स्पीति घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों में जीवन की बिंदास खिलखिलाहट, साहस और स्नेह में पगी मधुमई धरा, बर्फ की चादर ओढ़े अपनत्व की उष्मा से आलोकित लोक जीवन, सपनों से खूबसूरत एक अलग दुनिया, जहां पहुंचते ही मन का शोर स्वतः ही सुरमई संगीत में तब्दील हो जाता है। यहां सब कुछ अद्भुत है। काजा किब्बर की सांसों में महकती बर्फ, स्पीति नदी की जमती थमती इटलाहट, अनंत आकाश को आगोश में भरती चंद्रताल झील, आध्यात्मिकता की खुशबू में भीगी तापो की और कॉमिक मॉनेस्ट्री, लांगचा में जीवन का उपदेश देते भगवान बुद्ध की जीवंत सी प्रतीत होती प्रतिमा, दूर तक फैली मनोहर वादियां, यहां हर ओर हर छोर विलक्षणता से सराबोर है, जो सहज ही किसी को भी अपने आकर्षण के पास में बांध लेते हैं। बर्फ से चमकते पहाड़ों और विशालकाय पर्वत श्रृंखला से घिरे इस दुर्गम लेकिन दर्शनीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। तिब्बत की सीमा से सटे इस जनजातीय क्षेत्र के लोक जीवन और संस्कृति की अपनी विशेष खूबियां व खासियतें हैं। यहाँ का रोम रोम प्रकृति, कला संस्कृति, इतिहास और धर्म के विविध आख्यानों से सराबोर है। समय के प्रवाह में बिसरा दी गई इन विशिष्टताओं को पुनर्जीवन देने, संजोने और आगे बढ़ाने के साथ ही देश दुनिया को इससे रूबरू करवाने के लिए इस बार यहां आगाज हुआ है एक अनूठे उत्सव, स्नो फेस्टिवल का। ये पहला मौका था जब स्पीति घाटी में स्नो फेस्टिवल मनाया गया। साल 2021 में जनवरी मध्य से 25 मार्च तक आयोजित 75 दिनों का यह स्नो फेस्टिवल पहली बार में ही विश्व के सबसे लंबे अवधि तक मनाए जाने वाले उत्सवों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। ये फेस्टिवल यहाँ के जीवन, संस्कृति, धर्म संस्कार, तीज त्योहार, रीति रिवाज और परंपराओं के हर लौकिक अलौकिक रंग को एक संपूर्ण समुच्चय में प्रस्तुत करने में काफी हद तक कामयाब रहा है। खुश रंग से स्पीति घाटी ने स्नो फेस्टिवल में मानो अपना जीवन उत्सव मनाया हो, अपनी पुरातन परंपराओं और सांस्कृतिक विशेषताओं को जीवंत बनाते हुए एक नई उम्मीद, उत्साह और उमंग से ओतप्रोत। पहले अक्सर ये होता था कि बर्फ से लकदक पहाड़ों और बंद रास्तों के चलते लोगों को अपने घर गांव तक ही सीमित रहना पड़ता था। ऐसे समय में हर गांव में अपने अपने त्योहार और सांस्कृतिक आयोजन होते थे, ताकि सर्दियों के कठिन समय में भी संस्कृति और संबंधों की उष्मा का प्रभाव बना रहे और जीवन में रसधार निरंतर बहती रहे। दरअसल बौद्ध और हिंदू धर्म के संस्कारों में पगी स्पीति घाटी में रहने वाले जनजातीय लोग अपने साथ सदियों लंबा इतिहास और समृद्ध पुरातन परंपराओं को सहेजे हुए हैं। इस फेस्टिवल ने दुनिया के लिए इस समृद्ध इतिहास को देखने की एक नई खिड़की खोली है। साल में 9 महीने बर्फ की धवल चादर ओढ़े रखने वाली स्पीति घाटी ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी मशहूर है, और यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं, त्योहार, रीति रिवाज और रहन सहन बहुत हद तक यहाँ के मौसम और भौगोलिकता से जुड़े हुए हैं, जो इसे एक विशिष्ट पहचान देते हैं। स्नो फेस्टिवल इसी पहचान को जन सहयोग से पुनः स्थापित करने की हिमाचल सरकार और स्पीति प्रशासन की एक अभिनव पहल है, और स्थानीय लोगों की सहभागिता और समर्थन से ये फेस्टिवल जनमन पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है। फिर चाहे यहाँ के पारंपरिक वाद्यों की मधुर धुन पर लोक नृत्यों की थिरकन महसूस करने की बात हो, या तीरंदाजी और रस्साकशी जैसे खेल प्रतियोगिताओं में हाथ आजमाने की, लजीज पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद से लेकर धर्म संस्कारों के पावन भावों तक स्नो फेस्टिवल ने इस क्षेत्र को, यहाँ के लोगों को उनके जीवन के तौर तरीकों को करीब से देखने जानने का सुअवसर दिया है। स्नो फेस्टिवल की सफलता में स्थानीय जनता का सहयोग अविस्मरणीय रहा है। इस दौरान लोसर पंचायत के लोगों ने जनजातीय जीवन और
पुरातन धरोहर की वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई। साथ ही युवा मंडल ने डेकर नृत्य पेश किया। डेकर नृत्य एक नाटकीय नृत्य है। इसे बौद्ध धर्म के अनुसार नए साल के आगमन पर प्रस्तुत किया जाता है। परंपरागत साजो सामान मिट्टी के बर्तन, यघा, शिकलुक, खपशुक, कुटोल, तोपा, कहता, थाशा, मैतो, थकपा सोवा आदि सामान को प्रदर्शनी में दिखाया गया। वहीं महिला मंडलों ने पारंपरिक व्यंजन परोसे। महिला और पुरुषों द्वारा मिलकर किया जाने वाला मशहूर घर नृत्य तशी नृत्य, लामाओं का बूचेन नृत्य और शोना नृत्य जैसे लोक नृत्य हों या तीरंदाजी, छोलो खेल, रस्साकशी, स्कीइंग, बुनाई प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर या फिर फूड फेस्टिवल में चीचोकमा, फिनटुक, फेमर, छलमा, मोमो और घलोच सत्तू जैसे अनेक पारंपरिक लजीज व्यंजनों का स्वाद दुनिया भर से पहुंचे लोगों के लिए ये सब एक ऐसा आनंददायी अनुभव है जिसके लिए वे अभी से ही अगले साल यहाँ आने की योजनाएं बनाने में जुट गए हैं। स्नो फेस्टिवल के माध्यम से पर्यटक सांस्कृतिक रंगों में तो रंगे ही हैं। यहाँ मौजूद कुदरती नेमत के अनेक बेशकीमती नगीनों को भी निहार कर निहाल हुए हैं। मानव सभ्यता के पुरातन अवशेष मिलने के लिए चर्चित लांगचा गांव, जहां समुद्री जीव जंतुओं और वनस्पति के भी अवशेष मिले हैं, खुद में पुरातन भौगोलिक शिफ्ट की अनकही दास्तान समेटे हुए हैं। ओम मणि पद्मे होम की दिव्य ध्वनियों से तरंगित ताबो की और कॉमिक मठ मिट्टी के घरौंदों में धर्म के सुंदर फूलों की महकती बगिया सरीखे हैं, जहां पहुंचने पर मन बरबसी आध्यात्मिक चेतना से खिल उठता है। दुर्लभ बर्फानी तेंदुए और आइबेक्स का घर कहे जाने वाली स्पीति घाटी प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ वन्य प्राणी पर्यटन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी कल्पना लोक से कम नहीं है। यहाँ की पिन घाटी का नेशनल पार्क जैव विविधता के लिए सुविख्यात है। स्नो फेस्टिवल में बर्फ से बनाई गई दुर्लभ जीव जंतुओं एवं अन्य बेजोड़ कलाकृतियों ने भी पर्यटकों के मन पर अप्रतिम छाप छोड़ी है। स्पीति नदी के किनारे बसी इस घाटी की अनुपम प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धता से रूबरू हुए लोग गदगद हैं। स्नो फेस्टिवल ने अब तक अनजान से रहे पर अपनत्व से भरे अप्रतिम जीवन दर्शन से उनकी भेंट करवाई है। सांस्कृतिक जड़ों को जानने, उनसे जुड़ने और साथ बढ़ने को आशा की एक नई किरण दिखाई है। भाग दौड़ में रमी थमी जिंदगी फिर नया उजास और ओज पाने को निश्चित ही यहां आना चाहेगी। अगली बार भी आपका इंतजार रहेगा, आइएगा जरूर।